नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। और आज मैंने मंगाया है एक मिक्स बैग कॉमिक्स का, कॉमिक्स अड्डा से। लेकिन कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे शॉर्ट रिव्यू करेंगे, क्योंकि सारे पब्लिकेशन नए हैं यहाँ पे। साथ में मैंने मंगवाया है नागराज का एक बिग स्टैंडी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये एक कार्ड भी आया है RCMG से, ये पैकेट जो आया है वह कॉमिक्स अड्डा से। और ये चीज़ है, ये मुझे कंफर्म करनी है, क्योंकि पैकेज का प्राइस अराउंड 2K के आसपास था। तो ये एज अ गिफ्ट भेजा गया है या गलती से आया है, आई एम नॉट श्योर। आई विल कंफर्म विद नीलेश मकवाने जी। बट जो भी है, सरप्राइज़ बड़ा अनोखा है, अच्छा लगा मुझे देख के। बहुत शानदार है ये स्टैंडी, आपका नागग्रंथ के साथ फ्री आया था। ओके, तो बहुत शानदार है, क्या बात है। खैर, बात करेंगे आज कुछ नए प्रकाशकों की। सो शुरुआत होगी आज आर्क कॉमिक्स से। देव कॉमिक्स से भी मैंने कुछ इशू मंगाए हैं जो कि अभी तक आए नहीं हैं, तो मैंने वेरिएंट कवर कॉमिक्स अड्डा से मंगवा लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आर्क कॉमिक्स। आर्क कॉमिक्स देखते हैं यहाँ पे। आर्क कॉमिक्स के 3 अंक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें से 2 हिंदी हैं, एक वेरिएंट कवर है उसमें, और एक इंग्लिश में प्रकाशित हुआ है। साथ में यहाँ पे एक स्टिकर फ्री दिया जा रहा है, जो कि वेरिएंट कवर का एक चित्र ही है बेसिकली। और स्टिकर अच्छा है, पेपर स्टिकर है ये। और ये है आपका कवर, कॉमिक्स का नाम है द घोस्ट प्लैनेट issue 1। ईशान, सुमित, रतन, तीनों को जानता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कॉमिक्स जगत में। ओके, और ये देखिए, ये रितिन जी ने बनाया है आर्टवर्क। आर्क कॉमिक्स है, लोगो दिख सकता है आपको। और ये इसका प्राइस है यहाँ पे। लेट्स ओपन द बुक। और ये ऑटोग्राफ कॉपी है शायद से, आई कैन सी किसी के ऑटोग्राफ हैं। ओके, आई थिंक ईशान जी के आई लिखा हुआ है, ईशान जी के ऑटोग्राफ हैं, तो ऑटोग्राफ कॉपी है ये। कहानी और पटकथा ईशान नागपुर वाला, आर्टवर्क सुमित सिन्हा, कलरिंग रितिन सरोहा, शब्दांकन एडिटिंग एंड डिजाइनिंग रविराज आहूजा, एंड देन कवर आर्टवर्क सुमित सिन्हा, रितिन सरोहा, रविराज आहूजा। तो ये प्रमुख टीम है बेसिकली। और यहाँ पे कहानी शुरुआत हो चुकी है, एक स्पेस शटल है जो कि शायद किसी ग्रह पे जा रहा है, चंद्र अभियान, तो चांद पे जा रहा है ये बेसिकली। और इसके बीच में कुछ ऐसा घटित होता है कि कहीं पे क्रैश लैंडिंग हो जाती है किसी और अन्य प्लैनेट पे, और जहाज़ वहाँ चला जाता है जो अपना यान है। और उसके बाद फिर जो घटनाएँ घटती हैं वो आप कॉमिक्स खरीद कर ही पढ़ पाएंगे। ओके, तो प्रॉमिसिंग है, पहली कॉमिक्स है और आर्टवर्क काफ़ी प्रॉमिसिंग है। कहानी भी थोड़ी पेचीदा है, अनोखी है, अलग है, कुछ चाह है अलग परोसने की पाठकों को। देख के काफ़ी पसंद आया, और रिसेंटली मैंने जितनी कॉमिक्स देखी हैं काफ़ी अच्छा आर्टवर्क इसमें देने की कोशिश की गई है। गुंजाइश दिख रही है कहीं कहीं, बट नए प्रकाशकों को पूरा सहयोग कीजिए आप लोग। ओके, और उनकी कॉमिक्स खरीदिए, पढ़िए, और चाहिए तो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। जो कॉमिक्स का कवर है वो आपका नॉर्मल एक लैमिनेशन में आया है, अंदर पेजेस जो हैं वो मैट फिनिश में हैं, और कलरिंग भी थोड़ी फ्लैट की गई है ऐसा लग रहा है। और भयानक कोई राक्षस दिखाई पड़ा है यहाँ पे। और वन शॉट है क्या, या फिर आगे की कहानी कंटिन्यू है? कथा जारी है सत्यराज में। ओके, तो यहाँ पे सत्यराज का आर्टवर्क भी आप देख सकते हैं, मनीष मित्तल ने बनाया है ये आर्टवर्क, बड़ा कमाल का आर्टवर्क है। तो शायद ये कुछ सुपर हीरो घटनाएं घटने वाली हैं, तो शुरुआत काफ़ी अच्छी है। ओके, आगे कुछ अन्य कॉमिक्सों का ऐड भी है, जैसे हॉरर टेल्स हो गए, नई कॉमिक्स चमकती बहुत है नहीं। और यहाँ पे है लूसी लू, जल्द प्रकाशित हो रहा है। और ये सो प्रयास को पूरे अंक हैं आर्क कॉमिक्स को, आगे भी आप कॉमिक्स लेके आइए और हमारा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। और जल्द ही इसका रिव्यू भी हम अपने ब्लॉग पे लाने की कोशिश करेंगे। अब विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाइट।